अभी का स्मृता वाला ये चरक शारीर स्थान पहले अध्याय का 16वां श्लोक है ना। तो पंच धातु और शरीरी का मतलब होता है आत्मा, पंच धातु और आत्मा के समवाय से तो यानी दोनों के मिलने से पुरुष का निर्माण होता है। उसमें पहले वाले श्लोक में शुद्ध पुरुष में क्या था, केवल आत्मा थी, यहाँ पे पंच महाभूत और आत्मा भी जुड़ गए यानी छह धातुओं वाला पुरुष भी बन गया। तो छह धातुओं वाला जो पुरुष है वो क्या कहलाता है, कर्म पुरुष कहलाता है, सा ऐसा कर्म पुरुष, और इसी की चिकित्सा की जाती है ना। तो हम लोग क्या है, कर्म पुरुष है ना, हम लोग कर्म पुरुष है, षट धातु आत्मा पुरुष है, पंच महाभूत और आत्मा से बने हुए हैं और हमारी चिकित्सा की जाती है, चिकित्सा की अधिकृत है। चिकित्सा किसकी करी जाएगी, जो जिंदा व्यक्ति है उसी की चिकित्सा की जाएगी, मरे हुए की चिकित्सा होती नहीं है। तो पंच महाभूत और आत्मा से युक्त जो है उसे को बोलते हैं पुरुष, और ये है कर्म पुरुष, ठीक है। और केवल एक धात्मक पुरुष है वो है शुद्ध पुरुष, उसे उसमें आत्मा होती है, उसमें पंच महाभूत नहीं होते, उसकी चिकित्सा भी नहीं की जाती है, क्योंकि आत्मा की हम कोई चिकित्सा नहीं कर सकते है ना, क्योंकि दिखाई नहीं देती है। तो यह पंच महाभूत और आत्मा छह धातुओं का पुरुष है, अर्थात सुश्रुत ने इसी कर्म पुरुष को चिकित्सा करने के का अधिकरण या उपयुक्त माना है। यह सुख और दुखों का आश्रय भी, ठीक है, इसी को सुख और दुख भी होते हैं। नेक्स्ट है धातु वेद से पुरुष संगठन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ये याद करना पड़ेगा, पूरा का पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, है ना। तो पुरुष शरीर का संगठन जिन तत्वों से या धातुओं से बना होता है उनकी गणना के संबंध में आयुर्वेद आचार्यों में मत मतांतर रहे हैं, अतः इसी पुरुष का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत, किसी ने एक धातुआत्मक बोला, किसी ने द्विधातुआत्मक बोला, किसी ने त्रिधातुआत्मक बोला, तो याद रखना है चार चार वाला नहीं होता है, फिर सीधे पांच होता है, ठीक है। तो एक धातुआत्मक पुरुष, पहले हम बात कर चुके हैं चेतना धातु से निर्मित जो पुरुष है उसे क्या बोलते हैं, एक धातुआत्मक, चेतना को एक धातु माना। द्विधातुआत्मक पुरुष क्या होता है, तो हमारा विकास किससे हुआ है, शुक्र और आर्तव से, है ना, शुक्र यानी स्पर्म और ओवम। तो ओवम को क्या बोला गया, यहाँ पर अंतः पुष्प बोला गया, और उसको ओवम की जो नेचर है वो अग्नि गुण प्रधान मानी गई है, और शुक्र को सोम्य गुण प्रधान यानी सोम गुण प्रधान माना गया, ठंडा माना गया, ठीक है। तो अग्नि सोम्य, अग्नि और सोम, इन दो गुणों से हमारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए द्विधातुआत्मक पुरुष बोला गया। सभी द्रव्य पांच भौतिक हैं, यानी शुक्र और आर्तव भी पांच भौतिक हैं, इनमें अग्नि एवं सोम की बहुलता होने से पुरुष को अग्नि सोमात्मक कहा गया है। आचार्य सुश्रुत ने गर्भ प्रकरण में शुक्र को सौम्य और आर्तव को आग्नेय यानी गर्म बताया है, अतः गर्भ की अग्नि सोमात्मक होता है, जो गर्भ होता है वो कैसा बोला, अग्नि सोम्य या अग्नि सोमात्मक बोला है। तो दो धातु कौन सी होगी, एक अग्नि और एक हो गई सोम, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र बोलते हैं शरीर को, और क्षेत्रज्ञ बोलते हैं जो उसमें वास करता है यानी आत्मा, उसमें रहता है, उसके आश्रय थे, ठीक है। तो शरीर हो गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये भी षटधातुआत्मक है लेकिन कहने की बस बातें अलग अलग है। तो इस आधार पर द्विधातुआत्मक पुरुष जो क्षीण होता रहे अथवा छत से बचाता रहे वह क्षेत्र रूप शरीर है, इस क्षेत्रीय शरीर में जो आकर स्थित होता है उसे क्षेत्रक यानी आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट त्रिधातुआत्मक पुरुष या त्रिदंडात्मक पुरुष। सत्व आत्म शरीरम, सत्व यानी सत्व गुण हो गया, फिर आत्मा हो गई और शरीर, ये तीन दंड माने गए हैं। त्रिदंड कौन से, आयुर्वेद में अगर कोई पूछता है सत्व आत्मा और शरीर, ये त्रिदंड बोलेंगे, सत्व आत्मा शरीरम क्षत्रियम एतत् त्रिदंडवत् लोकातिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। यानी इस लोक का आधार यानी इस जीवात्मा का आधार, हमारा शरीर भी एक तरह का लोक है ना, उसको लोक बोला गया है, संसार है, ऐसे हमारे शरीर भी खुद एक संसार है। तो इस लोक का आधार तीन दंड है, उनसे सत्व यानी मन, या सत्व गुण भी बोल सकते हैं, आत्मा और शरीर, मन आत्मा और शरीर, है ना, इस आधार पर त्रिधत्वात्मक पुरुष बोला गया। इसमें संयोग से लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है, और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यानी तीन दंड कौन से हैं, मन आत्मा और शरीर, ये तीन दंड बोले गए हैं, सत्व आत्मा शरीर भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार तिपाई या त्रिपादिका के तीन दंड होते हैं, उसी प्रकार लोक भी सत्व आत्मा और शरीर नामक तीन दंडों पर टिका हुआ है या उनसे बना हुआ है, ठीक है। त्रिगुणात्मक पुरुष, तो सत्व रज और तम ये भी हमारे शरीर में होते हैं, और हर धातु का सत्व और रज के साथ संबंध है। जैसे जल में कौन सा गुण होना चाहिए, तम और सत्व, ये दोनों गुण पाए जाते हैं, चमक भी होती है और वो कफ निद्रा लाने वाला भी होता है। ऐसे ही पृथ्वी महाभूत तम गुणात्मक है, तो हर जितने भी हमारे महाभूत है इन्हीं सत्व रस तम के योगदान से बने हैं।
तो सत्व रज और तम ये तीन गुण इस आधार पर भी त्रिधातुआत्मक पुरुष हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं त्रिदोषात्मक वात पित्त कफ, इनसे भी रिलेशन दिखा देते हैं। ये हमारे महाभूत हैं, उनका रिलेशन वात कफ से भी है। जैसे वात महाभूत है और वात दोष भी है। पित्त में क्या, जल और अग्नि इससे पित्त बनाए, कफ किससे बनाए, पृथ्वी और जल महाभूत इनसे बनाए कफ, है ना। तो ये दोष जब प्राकृत अवस्था में रहते हैं तब शरीर का धारण करते हैं, अतः वे धातु कहलाते हैं। तो वात पित्त कफ भी त्रिदोषात्मक पुरुष में आ सकते हैं। तो त्रिदोषात्मक के तीन हो गए, एक तो तीन दंड वाला हो गया मन आत्मा और शरीर, दूसरा हुआ सत्व रज और तम, और तीसरा हुआ वात पित्त कफ। ठीक है, फिर पंच धातुआत्मक शरीर, अग्नि वायु जल पृथ्वी ये सब मिला के जो हो जाते हैं पांच महाभूत होते हैं, इनके समुदाय से बने पुरुष को पंच धातुआत्मक पुरुष भी कहते हैं। हालांकि इसमें चेतना के बारे में नहीं बताया, ठीक है, लेकिन इसका वर्णन आया है चरक शारीर स्थान पहले अध्याय का 27वां श्लोक है। महाभूतानि खम वायो अग्नि आपा क्षिति तथा, क्षिति का मतलब होता है आकाश, है ना। तो महाभूत खम माने आकाश, सॉरी क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, महाभूत खम का मतलब आकाश, वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ठीक है। तो इन सब से मिलके जो बना होता है उसे पंच धातुआत्मक पुरुष कहते हैं। फिर नेक्स्ट षड धातुआत्मक पुरुष, इसका वर्णन चरक ने नहीं किया, इसका वर्णन सुश्रुत शारीर स्थान में आया। तो आपसे कोई पूछता है पंच धातुआत्मक पुरुष का वर्णन कहाँ पर है, तो आप बताएंगे चरक शारीर स्थान पहले अध्याय में। और षड धातुआत्मक पुरुष कहाँ बताया गया या कर्म पुरुष का वर्णन किसमें किया गया, तो सुश्रुत शारीर स्थान पहले अध्याय में किया गया है। कर्म पुरुष चरक ने नहीं बताया, कर्म पुरुष सुश्रुत ने बताया गया। तो पंच महाभूत शरीरी समवाया पुरुष इति स एष कर्म पुरुषा चिकित्सा अधिकृता, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मा, है ना, इन छह धातुओं का पुरुष षड धातुआत्मक पुरुष कहलाता है, इसी को कर्म पुरुष कहते हैं। और यही चिकित्सा पुरुष भी बोला गया है क्योंकि इसकी चिकित्सा की जाती है। तो पंच महाभूत प्लस आत्मा इज इक्वल टू छह। फिर नेक्स्ट है खादस चेतना षष्ठा धातुआ पुरुष स्मृता, हालांकि षड धातुआत्मक पुरुष सारे स्थान में बताया गया लेकिन उसको कर्म पुरुष उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है। नेक्स्ट तत्र गर्भस्थ पितृज मातृज रसात्म सत्वज सात्म सात्म्य जानी, ये जो भाव हैं छह भाव बोले गए हैं, पितृज मातृज रसत सात्म्यज आत्मज सत्वज, है ना, ये सारे पांच भाव मिलके मातृज पितृज आत्मज सात्म्यज रसज सत्वज शरीर की सभी रचनाएं इन छह भावों से। अभी आपको ये पता नहीं होंगे छह भाव कौन से होते हैं, तो मातृज भाव वे होते हैं जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, ये हमें माता से मिलते हैं, आयुर्वेद में दिया गया है। और जो हार्ड पार्ट है यानी हड्डियां हो गई, हमारे बाल हो गए, दाढ़ी मूछ हो गई, ये हमें शुक्र हो गया, ये हमें पिता से मिलते हैं, है ना। आत्मज हो गए यानी जो हम पहले से सीख के आते हैं, इनको हमें सीखना नहीं पड़ता है, वो आत्मज भाव बोले गए, ठीक है। तो इस तरह के सरसज हो गए जो खाना खाने इत्यादि से माँ जो आहार विहार करती है उससे आते हैं, सत्वज यानी हमारी पवित्रता से आते हैं। तो इस तरह के आप आगे जब गर्भ शरीर पढ़ेंगे तो उसमें इनका वर्णन है। तो इन जो छह भावों से भी हमारे गर्भ की उत्पत्ति होती है, गर्भ उत्पन्न होता है, तो इनके समुदाय को षड्धात्मक पुरुष में समाहित किया गया है। नेक्स्ट सप्तधात्मक पुरुष, तो रस रक्त मांस में जो हमारी सात धातु है उसके आधार पर बोल दिया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर आता है द्वादश धातुआत्मक पुरुष, द्वादश यानी बारह धातुओं से बना हुआ पुरुष। तो आत्मेंद्रिय मनोअर्थानाम यो अयम पुरुष संज्ञका, आत्म इंद्रिय मन, तो आत्मा इंद्रिय और मन पांच ज्ञानेंद्रियां हो गई, एक आत्मा हो गया और मन हो गया, और इंद्रियार्थ यानी इंद्रियों के विषय, तो पांच विषय हो गए उनके, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, है ना। इस प्रकार इन सबको जोड़ेंगे, पांच और पांच दस और दो बारह, एक मन हो गया, एक आत्मा, दो पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां मिला के कितने हो गए बारह। इनके समुदाय को द्वादश धातुआत्मक पुरुष बोलते हैं, और इसको किसमें माना है, चरक सूत्र स्थान 25वें अध्याय के चौथे श्लोक में बोला गया है कि द्वादश धातुओं का बना हुआ पुरुष होता है, ठीक है। और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में सप्त धातुआत्मक पुरुष बताया गया, तो रेफरेंस बहुत जरूरी है, ये रेफरेंस आपको याद रखने पड़ेंगे, भले अध्याय का नाम याद ना हो, चरक सूत्र स्थान याद होगा इतना भी चलेगा। नेक्स्ट बारह, पहले कितना आया था, इससे पहले आया था सात, सात के बाद आया सीधा बारह, सात के बाद आठ नौ दस नहीं आएगा, सीधा बारह आएगा, बारह के बाद आएगा तेरह, ये आपको याद रखना। त्रयोदश धातुआत्मक पुरुष यानी तेरह धातुओं वाला पुरुष, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इस रेफरेंस से लिया गया। सुश्रुत सूत्र स्थान में इसका वर्णन आया है, इससे पहले वाले का चरक सूत्र स्थान में था, बारह का, तेरह का वर्णन है सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय में। तो
सात धातु तीन मल, इन सबको जोड़ेंगे तो 13 धातुओं वाला पुरुष तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया सर सप्तदश धातुआत्मक पुरुष 17 धातुओं वाला, 13 के बाद 14 15 खत्म, डायरेक्ट 17। 17 का वर्णन किसमें हुआ? चरक सूत्र स्थान 25वें अध्याय में वर्णन किया गया, यही वाला जो श्लोक है इसको फिर से व्याख्या कर दी जाती है इसकी। आत्म इंद्रिय मनोवर्तानाम यो एम पुरुष संघ संघ का, वहां पर हमने क्या किया था, जो इंद्रियां थी पांच मानी थी, यहाँ पर इंद्रियों को 10 यानी पांच इंद्रियां और बढ़ा ली, कौन सी? कर्मेंद्रियां, उसमें केवल ज्ञानेंद्रियां थी, तो उसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों को मिला लिया गया, बाकी आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ वैसे एज इट इज है, बस पांच कर्मेंद्रियां इसमें और जुड़ जाती हैं, तो क्या बन जाता है 17 धातुओं वाला पुरुष बन जाता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय सूत्र त्वच त्वक चक्षु जिह्वा ग्रहण, पंच कर्मेंद्रियां वाक हस्त उपस्थ, उपस्थ का मतलब होता है पेनिस, वायु यानी गुदा यानी एनस और पाद यानी पैर, तो ये पंच कर्मेंद्रियां पंच ज्ञानेन्द्रियां एक मन और एक आत्मा और इंद्रियों के पांच अर्थ ये सब मिला लेंगे तो 17 धातुओं वाला पुरुष बनेगा। नेक्स्ट चतुर्विंशति धातुआत्मक पुरुष यानी 24 धातुओं वाला पुरुष, इसका वर्णन भी चरक शारीर स्थान में किया गया है, यानी चरक सूत्र स्थान में 17 का और चरक शारीर स्थान में 24 वाला। अब 24 कैसे गिनाए जाएंगे? एक तो पुनश्च धातु वेदेन चतुर्विंशति की स्मृता मनो दसेन्द्रियाणार्थाम प्रकृति च अष्ट धातु की, यानी मन यहाँ पे बोला धातु वेद से पुरुष 24 तत्वों के समुदाय को, मन दस इंद्रियां फिर उन इंद्रियों के विषय अष्ट धातुओं से युक्त, यानी अष्ट धातु क्या है, अष्ट प्रकृति को अष्ट धातु बोल दिया उन्होंने, जैसे अव्यक्त महत अहंकार इनको जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो मन हो गया, दस इंद्रियां हो गई, अर्था यानी अर्था से यहाँ पांच महाभूतों का भी ग्रहण किया गया है, वहां पर क्या था अर्थ जो उससे पहले वाला था आत्म इंद्रिय मनोवर्था में, यहाँ पे अर्था से केवल पांच विषय ग्रहण किए गए थे, यहाँ पे अर्था से इंद्रियों के विषय प्लस पांच महाभूतों का भी ग्रहण किया गया है, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के साथ साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो आठ प्रकृति 16 विकार मिला के कितने हो जाते हैं 24, ऐसे भी कर सकते हैं अव्यक्त महतंकार पंच तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप ये अष्ट प्रकृति हो गए, 16 विकार और आठ प्रकृतियों के समुदाय को चतुर्विंशति धातुआत्मक पुरुष कहते हैं। तो आपको अव्यक्त अहंकार जो सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत है अगर वो याद होगा तो उससे आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर एक और उन्होंने दिया बुद्धि इंद्रिय मनोअर्थानाम विद्यात योग धर्म परम चतुर्विंशत को ही ऐसा राशि पुरुष संज्ञा, और इसी 24 तत्वों वाले पुरुष को ही चरक ने राशि पुरुष भी कहा गया है, यानी 24 तत्वों की राशि से बना होता है इसीलिए राशि पुरुष कहलाता है। बुद्धि इंद्रिय मन अर्थ इनके योग को धारण करने वाले को पर जानना चाहिए इस चतुर्विंशति तत्व की राशि को पुरुष कहते हैं। यहाँ पे है ना बुद्धि मनो इंद्रिय विद्या योग धर्म परम, तो पर व पर शब्द को यहाँ स्पष्ट किया गया है, यानी बुद्धि इंद्रिय मन अर्थ इनके योग को पर कहते हैं। तो बुद्धि का अर्थ है महत अहंकार और पंच तन्मात्रा यानी सात हो गए, फिर इंद्रियों के अर्थ ये हो गए 10, पंच ज्ञान इंद्रियां पंच कर्म इंद्रियां। ठीक है, उसके बाद मन हो गया एक अर्थ हो गए, इसके बाद नेक्स्ट अर्थ से यहाँ पांच महाभूतों का ग्रहण किया गया, पांच महाभूत हो गए, और पर से मतलब अव्यक्त, इन सबको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएंगे, तो इस 24 तत्वों के समुदाय को राशि पुरुष कहते हैं। तो एग्जाम में कर्म पुरुष राशि पुरुष है ना और षड्धातुआत्मक पुरुष और पुरुष केवल जो आता है ना आत्मा बोलते हैं चेतना धातु एक धातु पुरुष ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शुद्ध पुरुष इसे बोलते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। सबसे बेस्ट पुरुष कौन सा है इसमें? सबसे बेस्ट पुरुष कौन सा हुआ? अरे इसमें बेस्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेस्ट और ऐसे कुछ नहीं पूछ रहा, इसमें बस इतना याद रखना है आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा शॉर्ट नोट में राशि पुरुष बस इतना लिखा होगा कर्म पुरुष टिप्पणी करिए टिप्पणी करिए लिखा होगा उन्हीं की लिखा होगा कर्म पुरुष राशि पुरुष है ना सर त्रियोदशात्मक पुरुष बस आपको उसको एक्सप्लेन करना है वहां पे ये नहीं बताना है बेस्ट कौन सा है ना कभी ऐसा पूछा जाएगा सर वो तो ठीक है पर इतने पुरुष मतलब कैसे बना दिए इन्होंने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक धातु द्वि धातु त्रि धातु उसके बाद चार नहीं है फिर पंच धातु फिर षड धातु सप्त धातु उसके बाद बारह धातु वाला तेरह धातु वाला है ना ये सीक्वेंस में याद रखनी है तेरह के बाद कौन कितने आएंगे तेरह के बाद आएंगे सत्रह सत्रह के बाद आएंगे चौबीस चौबीस दो बार आएंगे है ना
और उसके बाद आएंगे 25 सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन ने एक और उसमें बढ़ा दिया, ना प्रकृति ना विकृति, इसमें पुरुष को ही जोड़ दिया है ना, 25 तत्वों के वाला पुरुष बताया गया है। तो ये आपको इस तरह से लिखना होगा, लेकिन राशि पुरुष तो इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। राशि पुरुष और कर्म पुरुष, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, राशि पुरुष, सर राशि पुरुष कौन सा है? ये राशि पुरुष के ऊपर मैंने बताया ना, ये ऊपर टिक लग रहा है इसमें 33वें पेज पर लिखा हुआ, बुद्धि इंद्रियों के अर्थ मन अर्थ पर जोड़ के लिखा हुआ है, वही राशि पुरुष, यही वाला, बिल्कुल सही। ये आपको याद रखना है एग्जाम में, यही इम्पोर्टेंट है ना, राशि पुरुष बहुत पूछा जाता है, राशि पुरुष और कर्म पुरुष ये बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये याद रखने आप। और ये कम से कम ये वाला श्लोक तो इसको तो आप याद करना ही पड़ेगा, ये वाला कम से कम, ये वाला याद कर लो, इसके बाद वाला याद कर लो, और एक कर्म पुरुष का श्लोक, राशि पुरुष का श्लोक तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इतना ही रखता हूँ, फिर काफी हो गया भैया, इसको भेजने की जरूरत है नहीं, किताब बहुत हो गया, तो आपके पास होगी सब दोनों। हाँ ये बहुत हो गया, अभी इतना ही रखता हूँ, इसको आप रिवीजन